आज जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री सामने 9 बजे आए और उन्होंने आज ताली और थाली बजाने की बात नहीं की, आज उन्होंने 9 मिनट के लिए अंधेरा में मोमबत्ती जलाने की बात की, टॉर्च जलाने की बात की। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा यह समझ में नहीं आया कि अगर हम 9 मिनट में 9 मिनट अंधेरे में रहें तो क्या हमारे डॉक्टर का सम्मान वापस हो जाएगा? क्या हमारे डॉक्टरों को पीपीई किट मिल जाएगा? क्या हमारे डॉक्टरों को किट मिल जाएगा? क्या हमारे डॉक्टरों को सैनिटाइजर मिल जाएगा, ग्लव्स मिल जाएंगे? जो संक्रमित हैं, जो अपने घर और परिवार को छोड़कर युद्ध के मैदान में उतरे हैं, क्या उन्हें संक्रमण से बचा लेंगे? तो साथियों, ये दिग्भ्रमित किया जा रहा है, हमें रास्ते से भटकाया जा रहा है। कोरोना वायरस सम्मान के लिए नहीं आया है। डॉक्टर हमारे युद्ध के मैदान में हैं। भारत की सरकार, बिहार की सरकार ये बताने को तैयार नहीं है कि हम डॉक्टरों को पीपीई किट क्यों नहीं दे पा रहे। कोई अभी कल देख रहे हैं कि अभी कल ऑर्डर बन रहा है कि पीपीई किट मंगा लेते हैं। तो क्या तमाशा है साहब? कौन सा तमाशा आप भारत में पैदा कर रहे हैं? डॉक्टरों को मरने के लिए छोड़ दिए हैं आप। डॉक्टर कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज के पास जा नहीं पा रहा है और आप कभी ताली बजाते हैं, कभी थाली बजाते हैं और कभी अंधेरे में रह करके कहते हैं मोमबत्ती जल। मैं 9 मिनट नहीं, मैं 9 दिन रहूंगा अंधेरे में, कैंडल में रहूंगा, टॉर्च की रोशनी में मैं 9 दिन रह लूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कि भारत को बचाना है तो हमारे युद्ध के मैदान में जो डॉक्टर भाई हैं, पहले हमारे डॉक्टर हैं जो युद्ध के मैदान में हैं, उन्हें सबसे पहले जो पीपीई किट से रो रहे हैं कि हमें ये किट चाहिए, वो उन्हें किट मुहैया कराया जाए, उन्हें ग्लव्स मुहैया कराया जाए। तो जो साधन है वो मुहैया कराया जाए कि युद्ध के मैदान में अगर बिना शस्त्र रहेंगे तो हम कब तक टिक पाएंगे? तो कोरोना वायरस से लड़ने का जो शस्त्र है वो मुहैया कराया जाए। आपको बताना चाहिए था कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए हम क्या रिसर्च कर रहे हैं, हम जो इससे संक्रमित है उसको कैसे बचाएंगे। कोई रिसर्च नहीं आप करा पा रहे हैं। आप हम श्रमिकों के लिए, पूरे भारत भर में कितने श्रमिक हैं, दैनिक मजदूर हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, और 21 दिन के लॉकडाउन में पूरा भारत तबाह हो रहा है। कोरोना वायरस से बाद में मरेंगे। अभी कल ही हमारे आरा में एक व्यक्ति की मौत हो गई, भूख से तड़प कर मौत हो गई। तो क्या तमाशा है? सबसे पहले प्रधानमंत्री होने के नाते आपको, बिहार के मुख्यमंत्री होने के नाते नीतीश कुमार जी को सबसे पहले आना चाहिए था सामने कि आकर के कहें कि हम बिहार में और भारत में किसी को भूखे नहीं मरने देंगे। उनकी व्यवस्था करने का आपके पास जवाब दे हैं, आप व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन आप ये नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं बड़े ही आदरणीय आप सबों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी 9 दिन नहीं, 9 मिनट नहीं, 9 दिन के अंधेरे में रहने को तैयार हैं, लेकिन पहले डॉक्टरों को पीपीई किट चाहिए। डॉक्टरों के युद्ध के मैदान में जो हैं उन्हें जो उचित किट है वो किट उन्हें मिलना चाहिए, और उस रोग से निपटने के लिए दवाइयों के लिए रिसर्च टीम की गठन होना चाहिए था, न कि केवल ताली थाली बजाने से ये सब कुछ दूर भागेगा और सब कुछ भाग सकता है।